खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से कमर कस ली गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार पी चिदम्बरम के लिए कवच का काम कर रही है और बड़ी खबर ये आ रही है कि चिदम्बरम के बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम, वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस के सांसद हैं कार्ति चिदम्बरम, लोकसभा में शिवगंगा सीट से इस बार जीतकर कार्ति चिदम्बरम आए हैं। चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम वो दिल्ली पहुंचे हैं, अपने पिता का बचाव कर रहे हैं। पार्टी पहले ही पूरी तरीके से पी चिदम्बरम के साथ खड़ी हुई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस का हर नेता पी चिदम्बरम के लिए संघर्ष करने की बात कर रहा है। Good 9 years later, and post that I have been summoned 20 times, I have been raided 4 times. Nobody in the history of India has been raided as much as I have been raided. I was also in the custody of the CBI for 11 days, and everybody associated with me, directly, indirectly, even as a casual acquaintance, has been summoned. Some have even been taken into custody. And they still don't have a case. They still don't have a charge. No, hear me out. Sir, two घंटे का समय था सर. सर, two घंटे का जो समय दिया गया था, वो उसमें वो नहीं पहुँचे. इस वजह से ये केस स्टार्ट. Please listen to me. If all of you speak at the same time, I'm not as clever as you think you are. I am, and I can't hear all of you. First and foremost, we are being targeted. There is no requirement, no legal requirement for my father to have been available to anybody. All that happened on Tuesday was that an anticipatory bail plea, which was filed in May of 2018, for which the arguments got over in January of 2019, where the judgment was reserved for 7 months. The judgment came out. That's all. There is no, hear me out. If you interrupt me, I can't speak. There was no requirement for him to be available to anybody. And he was available when he wanted to be available. He had already enjoyed the bail for so many months. 15 months, he had enjoyed. Please understand. Was there a court order which said that he had to appear before the CBI? Within two hours, he had to. If I tell you tomorrow, I come to your house and give you a notice, you have to appear in 2 hours. You're not in the house. What do we do? You only come back tomorrow morning. I can't hold you to that. And nowhere in the history of India has the CBI given a 2 hour notice. I have received notices from the CBI. तो कार्ति चिदम्बरम पी चिदम्बरम के बेटे को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं हमें निशाना बनाया जा रहा है। कभी सीबीआई के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि 2 घंटे के नोटिस पर किसी को बुलाया जाए जवाब देने के लिए। जानबूझकर राजनीतिक द्वेष की भावना से यह कार्रवाई जो पी चिदम्बरम के खिलाफ की जा रही है, यह बात लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर अब कपिल सिब्बल का बयान भी सामने आया है। गिरफ्तारी पर कपिल सिब्बल ने सवाल उठा दिए। कपिल सिब्बल भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कपिल सिब्बल देश के वरिष्ठ वकील भी है और चिदम्बरम का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो बड़े वकीलों की टीम थी उसका हिस्सा भी कपिल सिब्बल रहे। क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल, जरा ये सुनिए। बड़े दुख की बात है कि एक नागरिक चाहता है कि उसका अगर कोई हक है कानून के द्वारा कि वो अपील करे, वो उसका हक है, और अगर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी और 2 दिन बाद लगाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच में अगर वो गिरफ्तारी में चले जाएं तो इसका मतलब कि पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई। और उसका मायना ये है कि एक नागरिक को सुनवाई का जो हक है वो नहीं मिला। और कहा हमें ये गया कि वो चीफ जस्टिस साहब करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हैंडबुक के द्वारा अगर चीफ जस्टिस साहब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिजी हैं तो उस नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज को हम याचिका डालकर और आग्रह कर सकते हैं, आप प्लीज इनकी सुनवाई कीजिए। और ऐसा ही हुआ, जब परसों शाम को हमने सुप्रीम कोर्ट हम जब गए तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप सीनियर मोस्ट जज से कल सुबह मेंशन कर देना। सारी रात चिदम्बरम साहब और सभी वकील लगे रहे, याचिका तैयार करके हमने डाल दी, डायरी नंबर भी ले दिया, मेंशन भी कर दिया। और जज साहब ने कहा, उस बेंच ने हमें कहा कि वो हम ये फाइल चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर है उसमें लिखित भी नहीं है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जज थे। वो बेंच कोई भी ऑर्डर कर सकता था कि इसकी सुनवाई हो जाए आज। हम तो यही चाहते थे ना।